this up, guys. Guess. वेलकम बैक गाइस। सो फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपनी वायर मैनेजमेंट का सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से मैं मैजिकली अपना टेक खुराना तड़का लगा के अपने टीवी की सारी वायर्स हाइड कर देता हूँ। और सही बताऊँ तो उस ट्रिक की वजह से मेरी काफी चौड़ बढ़ गई है, बट कोई बात नहीं यार, उस चौड़ का पीरियड आज खत्म करते हैं, मैं आप लोगों के सामने रिवील कर दूंगा। बट हाँ, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो मेरे हैंडल @IAMTechKhurana पर, तो आपको ये चीज पहले से ही पता चल चुकी होगी, बिकॉज वहां पर मैंने ये सीक्रेट रिवील कर दिया था अपनी स्टोरी और पोस्ट डाल के। तो शुरू करते हैं फटाफट से पहले गेमिंग पीसी की वायर मैनेजमेंट से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है वायर मैनेज करने का, और वो है टेप्स। एंड अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पर बी रोल डाल दूंगा कि किस तरीके से आप टेप्स को यूज़ करके अपने गेमिंग डेस्क के नीचे, पीसी डेस्क के नीचे इनको सिंपली चिपका सकते हो, जैसे कि आप और चीज़ें चिपकाते होगे टेप को यूज़ करके। बट ऑब्वियसली इसमें दिक्कत ये है कि ये टेप की जो ग्लू है ना, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है, मुश्किल से हफ्ता भर चलेगी, उसके बाद ये टेप लटक जाएगी और आपकी सारी वायर्स भी लटक जाएंगी। उसके बाद गाइस आते हैं ये वाले कील, और ये भी हर साइज में आते हैं, छोटे बड़े मीडियम साइज के, दो कील वाले, एक कील वाले। बट फिर वही बात है कि अगर आप ठोका पीटी नहीं करना चाहते, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट क्या चीज़ है जिसको यूज करके आप बहुत अच्छे से वायर मैनेजमेंट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप 100, 200 या 300 रुपया खर्चना चाहते हो, तो आपको ये वायर मैनेजमेंट किट मिल जाएंगी, और ये भी डिपेंड करते हैं साइज एंड शेप पे। जैसे ये सबसे छोटी शेप आती है, और ये आते हैं लगभग 50 रुपए के, चार मिलते हैं, ये अलग अलग कलर्स में मिलते हैं। जैसे मेरे पास अभी फिलहाल दो है, पता नहीं दो कहाँ घूम गए। तो उसके अलावा फिर उससे बड़े आते हैं, ये शायद 100 रुपीज़ के चार आते हैं। इसके अंदर एक ही के अंदर 3-4 वायर्स डालने की जगह होती है, और उसके बाद एंड में फिर ये भी 100 रुपीज़ के आसपास आता है। ये रबर तो नहीं है, है तो ये प्लास्टिक ही, बट इसके अंदर भी काफ़ी सारी वायर्स डालने की जगह होती है। एंड मैं इस वीडियो के लिए इन्हीं को यूज़ करूँगा, टेपिंग को या फिर कील को यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास है और पड़ी भी हुई है काफ़ी टाइम से, तो मैं इसी को यूज़ करके आपको वायर मैनेजमेंट करके दिखा रहा हूँ। तो फाइनली हम वीडियो के उस पार्ट पर पहुंच गए हैं जहां पर मैं रिवील करने वाला हूं ये सीक्रेट की, अब ये वायर जो यहां पर लटक रही हैं ये कैसे हाइड होंगी और ऐसे जादू की तरह कैसे गायब हो जाएंगी। तो भाई देखो, वो रीज़न है ये। तो ये मैंने थोड़े टाइम पहले एक वॉलपेपर परचेज किया था, जो कि टेक्स्चर्ड या फिर एनग्रेव्ड काइंड ऑफ चीज़ बोल सकते हो, उसके ऊपर पैटर्न है, ब्रिक वॉलपेपर टाइप होता है ये, और ये नॉर्मल पतला पेपर नहीं है, ये थोड़ा सा फोम का बना हुआ और मोटा पेपर है। पील ऑफ हो जाती है पीछे जो ब्राउन वाली लेयर है, और अंदर से ये ग्लू निकल आती है, एंड देन आप इसको दीवार पे चिपका सकते हो। बट जब मैंने इसको पूरा लगाया, मैंने इसकी जो ग्लू है वो निकाली ही नहीं। यहाँ पे इसके पीछे आप देख सकते हो ये ब्राउन वाली जो लेयर है वो अभी भी है पेपर की, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि यहाँ पर छुप जाती है, और देन मैं उसको कवर कर देता हूँ। तो अब फटाफट से मैं इनको फिर छुपाने का काम करता हूँ। बट उससे पहले, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको इसकी ज़रूरत भी होगी अगर आप मेरे जैसा काम करना चाहते हो, तो ये जो वायर्स मिलती हैं अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स की वायर्स के साथ, तो ये वायर्स यूज़ करके मैं इनको पहले एक साथ बांध दूंगा, सो दैट एक सिंगल लाइन ही आ रही हो नीचे। सो दिस इज इट गाइज, यही मेरा छोटा सा सीक्रेट था कि किस तरीके से मैं अपनी टीवी के वायर्स को अपने वॉलपेपर के पीछे हाइड कर देता था, एंड उसको स्पेशल टेक खुराना मैजिक बोल देता था। एंड वेट अ मिनट, ये मत सोचना कि मैंने वॉलपेपर वाली चीज बता दी है तो अब कोई सीक्रेट नहीं बचा मेरे पास जो आप लोगों के मन में सस्पेंस क्रिएट ना करे। जी हाँ, मेरे पास है, और वो है ये मेरी Xbox Series X, जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया कहाँ से आए दिशांत भाई आपके पास, तो इसका सीक्रेट भी जल्दी रिवील होने वाला है, बट एज यूजुअल Instagram पर पहले हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको बिहाइंड द सीन्स या फिर स्नीक पीक चाहिए मेरे आने वाली वीडियोस के लिए, तो आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, Instagram हैंडल मेरा यहाँ पर आ रहा होगा, @IAMTechKhurana, स्पेलिंग ये रहे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइज, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए adios।
नानी।